अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं सोनू अहमद का यूट्यूब चैनल और मैं आप लोगों का होस्ट सोनू अहमद। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग का सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्लाह का शुक्र ठीक हूँ। आज की हमारी जो रेसिपी है वो हमारी केक रस की है, जो हम घर में आप लोग इजीली बना सकते हैं। बेकरी जैसे आप लोग केक रस कैसे घर में आसानी से बना सकते हैं उसकी रेसिपी बताऊँगा और कुछ आप लोगों को कुछ हिंट्स दूंगा। और इसलिए आप लोगों को आप लोग वीडियो पूरी देखिए देखेंगेगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। अगर आप वीडियो को स्किप करेंगे तो आपको ठीक से समझ नहीं लगती है, ठीक है? तो आप लोग अगर आप लोगों को कुछ समझ ना भी लगे तो आप प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। और आप लोगों को ये भी बताइएगा कि आप लोगों ने ट्राई किया और आप लोगों की कैसी रेसिपी बनी। चलें सबसे पहले हम इनके इंग्रेडिएंट्स जानते हैं। इंग्रेडिएंट्स में क्या है हमारे पास? मैदा है। मैदा मेरे पास 125 ग्राम, जिसमें मैंने 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर ऐड करके इसको स्ट्रेन करके रख लिया है। तो अंडे हमारे पास 3 अदद हैं, अंडे हमारे पास 3 अदद हैं। अंडे फ्रिज वाले ना हों, रूम टेम्परेचर पे अंडे हों। वनीला एसेंस जो कि फ्यू ड्रॉप्स जाएगा। शॉर्टनिंग हमारे पास, मैंने शॉर्टनिंग की रेसिपी आप लोगों को पहले सिखा दी हुई है। अगर नहीं भी आप लोगों को समझ लगी तो फिर भी आप लोगों को नया ना पता चले तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने रेसिपी ऐड कर दी है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। ये शॉर्टनिंग की रेसिपी, शॉर्टनिंग और 60 ग्राम शॉर्टनिंग जाएगी। और बटर जो है मेरे पास, जो बटर होता है अच्छे वाला, वो मैंने यूज़ किया है 65 ग्राम या 60 ग्राम, बिकॉज हमने मिकदार जो है वो 20, 20, 125 करनी है दोनों की। तो आप दोनों में से जिसकी मर्ज़ी ज़्यादा कर सकते हैं। जो कैस्टर शुगर है वो भी मेरे पास 125 ग्राम्स है। फूड कलर हमारा ऐड होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक बॉल लेंगे, उसके अंदर शॉर्टनिंग, बटर ऐड करेंगे और कैस्टर शुगर ऐड कर लेंगे। कैस्टर शुगर मैंने ऐड कर दिया। आप लोगों को बताता चाहूँगा, कैस्टर शुगर और आइसिंग शुगर जो होती है ये डिफरेंट होती है। आइसिंग शुगर जो होती है, आइसिंग शुगर जो होती है ये आप लोगों को आइसिंग करने में मदद देती है, बल जबकि कैस्टर शुगर जो होती है ये हम आम रूटीन में घर के जो चीनी होती है उसको हम ग्राइंड कर लेते हैं। आइसिंग शुगर आप लोग घर में नहीं बना सकते, ठीक है? ये आपको बाजार से लेनी पड़ेगी। साथ हमारे इसमें फूड कलर जो एसेंस है वो हम बाद में इसको करेंगे। सबसे पहले हम इसको अच्छी तरह से बीट करेंगे, बीट इतना करेंगे कि ये अच्छी तरह से जो क्रीमी इसका टेक्सचर है वो आ जाए। आप लोग देख सकते हैं कि मैंने बीट किया, बीट करने के बाद मेरे पास इतना इनके स्मूथी जो है इसका टेक्सचर आ गया। और आप लोगों से एक और बात कहूँ कि आपका जो बटर और आपकी शॉर्टनिंग है वो दोनों रूम टेम्परेचर पे हों। जितनी रूम टेम्परेचर पे होगा उतना ही अच्छा क्रीमी टेक्सचर आएगा। अगर आप फ्रिज में रखेंगे तो आपका टेक्सचर जो है अच्छा नहीं आएगा, ठीक है? अब हमने क्या किया, हमने इसमें एसेंस यूज़ किया, वनीला एसेंस। अगर आपके पास वनीला एसेंस मौजूद नहीं है तो आप लोग लेमन के ड्रॉप यूज़ कर सकते हैं। इसमें लेमन ड्रॉप ही ऐड करें और लेमन ही फूड कलर ऐड कर सकते हैं। मैंने वनीला यूज़ किया बिकॉज मुझे वनीला का टेस्ट जो है, फ्लेवर है, बहुत ही अच्छा लगता है। इसकी जो एक फ्रेग्रेंस आती है वो बहुत ही अमेजिंग होती है। इसको हम क्या करेंगे, अब हम इसको दोबारा अगेन बीट करेंगे। बीट करते करते हम इसके अंदर जो अंडे ऐड करेंगे वो हमने एक एक करके ऐड करना है। आप सही जो तरीका, आप लोगों को क्या करें, आप 3 बॉल ले लें छोटे छोटे, उनमें तीनों में सेपरेट सेपरेट एग जो है उनको तोड़ के एक साइड पे रख लें, साइड पे रख लें। जब आप बीट कर रहे हों तो आप उसको आस्ता आस्ता स्लोली स्लोली इनके फुल, आपने इसकी जो स्पीड है ना, आपने बिल्कुल तेज़ नहीं रखनी है, आपने नॉर्मल जो मीडियम स्पीड होती है इसकी, तकरीबन आम रूटीन में जो होते हैं बीटर्स की, इनकी 5 तक रेंज होती है। तो आपने 1 से 2 तक इसकी स्पीड रखनी है, इसे ज़्यादा इसको इंक्रीज नहीं करना, बिकॉज बटर है तो कैस्टर शुगर जब आप लोग ऐड करोगे तो आप जब बटर वगैरह ऐड करोगे तो आपका वो ऊपर उछलेगा, इनके बाहर को आएगा बॉल में से, तो वो आपको अच्छी तरह से मिक्सिंग नहीं हो पाएगी, ठीक है? तो अब इंशाल्लाह हमारा, आप लोग ये करते जाएं बीट, और बीट करते बाद हमारा थोड़ी देर तक ये बीट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसमें साइड है जो आप लोगों का स्पैचुलर जो होती है उसकी मदद से आप इसकी साइड जो है वो कवर करते चाहिए के साथ साथ, बिकॉज क्योंकि दरमियान से तो हमारा बीट हो जाएगा तो साइडों से नहीं हो पाएगा। इसलिए आपने स्पैचुलर या किसी भी आप स्पून की मदद से, जो आप रूटीन वाइज घर में खाने वाले स्पून यूज़ करते हैं, आप उसी की मदद से आप इसको साइड इसकी कवर करें, इसकी साइड से नीचे रखें और इसको दोबारा अगेन बीट करें ताकि अच्छी तरह से हर चीज़ मिक्स हो जाए। अब हम क्या करेंगे, अंडा जो है हमारा अच्छी तरह से बीट हो चुका है, अंडा हम एक एक करके ऐड करेंगे। पहले एक अंडा ऐड करेंगे तो इसको अच्छी तरह से बीट करेंगे ताकि जो जो हमारा वो जो मिक्सचर है वो अच्छी तरह से अंडे के अंदर मिक्स हो जाए, अंडा उसके मिक्सचर के अंदर मिक्स हो जाएगा। तो अगर आप इकट्ठे डाल देंगे तो आपका वो जो है ना एक बैटर, वो आपका बैटर नहीं हो बन पाएगा, वो अलग अलग आपका जो मक्खन है वो अलग घूम रहा होगा, शॉर्टनिंग अलग घूम रही होगी, और जो कैस्टर शुगर है वो तो जो खैर मिक्स ही हो जाती है, और अंडा अलग घूम रहा होगा। तो उससे आप लोगों का जो केक है वो बिल्कुल परफेक्ट नहीं बनेगा। हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले तो केक बनाना है। केक बनाएंगे, मैंने आप लोगों के लिए सिंपली जो है ना वो एक जो ब्रेड पैन होता है
उसके अंदर आप लोगों को सिखा रहा हूँ, क्योंकि ट्रे के अंदर आप लोगों को जल्दी आप लोगों को शायद मैं भी समझ ना लगे, लेकिन इंशाल्लाह मैं आप लोगों को एक ट्रे में भी बकायदा के इनके बना के आप लोगों को बताऊंगा केक ट्रेस के ट्रे में आप लोग इनके बेकरी वाले किस तरह से ट्रे में केक बनाते हैं, फिर उसको कटिंग किस तरह से करते हैं। तो आप लोगों की आसानी के लिए ही मैंने आप लोगों को एक पैन दूसरा बना के दी है। अब हम क्या करेंगे, आस्ता आस्ता ये हमारा पहला हो चुका है अंडा बीट, अब हम दूसरा अंडा बीट इसमें ऐड करेंगे। आप लोग देख सकते हैं इसका जो टेक्सचर है वो कितना स्मूदी हो रहा है, और अच्छी तरह से जो इसके अंदर बटर है और इनके जो हमारा बैटर था वो काफ़ी अच्छी तरह से मिक्सिंग हो रहा है। तो ये हमारा तीसरा अंडा जो आएगा इसके अंदर, तीसरा अंडा ऐड करने के बाद कुछ देखें इसका कलर, जो अंडे की जो जर्दी का योक का जो कलर होता है वो भी इसके अंदर थोड़ा सा मैश होता है, वो भी मिक्सिंग होती है और काफ़ी अच्छा और आ जाता है टेक्सचर। क्या करेंगे अब, हमारा जो मिक्सिंग है वो अच्छी तरह से हो गया, साइड से हम क्लियर कर लेंगे बाद में, और अब हम इसमें ऐड करेंगे फूड कलर लिक्विड, जो फूड कलर होता है मैंने वो यूज़ किया, आप जेल यूज़ भी कर सकते हैं। ले हमारा फूड कलर जो है वो ऐड हो चुका है, और आप लोग देख सकते हैं कि आप लोगों को जितना कलर चाहिए, मैंने नॉर्मल कलर रखा है जो कि एक केक रस का कलर होता है, ठीक है। तो इसमें से 2 से 3 ड्रॉप्स मेरे तकरीबन ऐड हुए हैं अच्छे से, आप तकरीबन लगा लें 1/2 टीस्पून इसमें कलर ऐड हुआ है फूड कलर। तो हम इसको अच्छी तरह से आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी तरह से इसका बैटर जो है वो बन चुका है। अब हम इसमें क्या करेंगे, हाफ पहले डालेंगे थोड़ा सा इनके फ्लोर, जो हमारा छाना हुआ मैंने स्टेन किया हुआ था फ्लोर, ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो थे हाफ वो जाएंगे इसमें। एक और बात कहता जो मुझे सो याद नहीं रहा, लेकिन आप लोग इसमें थोड़ा सा हल्का सा चुटकी भर, अगर आपके क्रिस्पी नहीं ना होते हैं तो आप लोग उसमें हल्का सा चुटकी भर इनके इस बैटर के अंदर चुटकी भर साल्ट यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपके बहुत घर में भी आप लोगों के अगर आपके ओवन में कोई डिफेक्ट होता है तो उसके बेहतरीन आपका हाल है कि आप लोगों के केक रस जो है वो अच्छे से क्रिस्पी हो जाएंगे, ठीक है। तो लेकिन आपने थोड़ा ऐड करना है साल्ट, ज़्यादा नहीं ऐड करना, थोड़ा थोड़ा हम करके आप फ्लोर ऐड करते जाएंगे और इसको मिक्सिंग करते जाएंगे। आपने ज़्यादा भी इसको बीट नहीं करना है बैटर को, अगर आप ज़्यादा बीट करेंगे, अक्सर लोग कहते हैं कि हमारा जो बैटर है केक बनता तो बहुत सॉफ्ट है, लेकिन बाद में हमारा ड्राई इनके बहुत इस तरीके से ड्राई हो जाता है कि जैसे वो पत्थर हो, तो वो यही वजह होती है कि आप लोग जब बीट करते हैं तो बीट करते वक्त आप बहुत ज़्यादा उसको एक्स्ट्रा बीट कर देते हैं, तो वो आपने काम नहीं करना, इसमें मिनिमम आपने रखना है इसका टाइम। मैंने ये लॉफ्टी पैन इसको अच्छी तरह से साइडों से ग्रीस कर लिया था, नीचे पेपर लगा लिया था बटर पेपर, बटर पेपर लगाने के बाद मैंने इसके अंदर बैटर किया, बैटर डालने के बाद मैंने इसको एक लेवल किया, आप लेवल करें स्पून की मदद से ताकि आपका जो बैटर है वो अच्छी तरह से ड्राई हो सके। तो इसमें हमने क्या करना है, पहले से प्री हीट ओवन में हमने 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे 40 से 45 मिनट तक हमने इसको बेक करना है। चले हमारा जो केक है वो अच्छी तरह से बीट हो चुका है, आप देख सकते हैं कितना प्यारा है इसकी लुक आई है और कितना ही अच्छी तरह से ये राइज भी हो चुका हुआ है। और ये आप लोग देख सकते हैं कि जब बैटर होता है तो आपने इसको प्रेस करके देखना है, या आप इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा फोक यूज़ कर सकते हैं, या वो टूथ पिक होती है एक स्टिक होती है आप वो यूज़ करके देख लें, अगर तो वो साफ बाहर आती है तो आपको इसका यही मतलब है कि आपका केक जो है वो रेडी हो जाएगा, और अगर वो इनके थोड़ी सी डिप होती है तो आपको मालूम होना चाहिए कि आपका केक जो है वो कच्चा है। तो आपने अच्छी तरह से इसको बेक करना है ताकि अच्छी तरह से ये पक जाए, पकने के बाद हमने इसको कम से कम आपने केक रस का जो मटेरियल है इसको आपने 2-3 घंटे इसको ठंडा होने छोड़ देना है ताकि अच्छी तरह से ये सेट हो जाए। गर्मा गर्म कटाई कटिंग कभी नहीं होती है, आपने जब इसको ठंडा हो जाना तो फिर मैंने इसकी कटिंग करनी है। मेरी जो है ये केक ठंडा हो गया, मैंने उसकी कटिंग की, ऊपर वाला जो साइड से उसको मैंने नीट किया, नीट करने के बाद आपको जो निबजता है उसको मैंने आपको जिस साइज़ के आपको केक रस चाहिए आपने उस साइज़ के आपने केक रस को कटिंग कर लेना। केक रस की मैंने ये जो नॉर्मल इसकी होती है मैंने उसकी कटिंग करके रख लिया था, कटिंग करने के बाद मैंने इसको 15 से 20 मिनट तक तो इनके दोबारा बेक किया उसी टेम्परेचर पर। एक दिन पहले रेस्ट इसको दी, रेस्ट देने के बाद दूसरे दिन मैंने इसको अच्छी तरह से बेक कर लिया 15-20 मिनट तक उसी टेम्परेचर पे। बेक करने के बाद मैंने इसको ड्राई किया, ड्राई करने के बाद मेरे जो केक रस हैं वो रेडी हो चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं कितने ही ये क्रिस्पी हैं। तो जब तक हमारी अगली वीडियो आती है तब तक के लिए आप लोगों से अल्लाह हाफिज़।